दोस्तों आज मैं एक ऐसी खास सिक्के टाइप के बारे में बात करने वाला हूँ जिसकी मदद से मान लो आपके मोबाइल पे किसी का भी कॉल है, आपकी गर्लफ्रेंड हो या आपका फ्रेंड हो या कोई भी अननोन नंबर हो, तो उसकी फोटो दिखेगी आपके पूरे मोबाइल की स्क्रीन पे और उसका नाम ले लेके जोर से चिल्लाएगा कि इसका कॉल आया, आप इसकी कॉल उठा लो। किसी का SMS भी आएगा ना तो उसका SMS का भी नाम ले लेके बताएगा कि इसका SMS आया, आप पढ़ लो वरना मैं कॉल खोल दूंगा। दोस्तों बहुत सी कमाल का इंटरेस्टिंग ऐप है। अगर आप दोस्तों उस ऐप के बारे में जानना चाहते कि वो ऐप कौन सा है जिसकी मदद से किसी के भी कॉल है तो उसकी फोटो दिखे और वो नाम ले लेके बताए कि इसका कॉल आया, तो मेरे साथ इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहना होगा। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो कर लेता हूँ स्टार्ट। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे चैनल में आप नए आए हैं तो ये लाल बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में जो ये घंटा है तो इसको दबा लें। घंटे दबाने का मतलब क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। खास सिक्के टाइप के बारे में जानना चाहता ना तो उसके लिए ऐप की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है फुल स्क्रीन इनकमिंग कॉल। मैं इस ऐप की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाकर सिंपली डाउनलोड कर लेना। जैसे डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करते यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ ऐसे इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। चलिए दोस्तों हमारा यहाँ पे ऐप ओपन होता है तो हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे स्टार्ट बटन का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे सिंपली आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना। जैसे आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करें तो यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ ऐड देखने को मिलेगा, ऐड आपको कट कर देना। ऐड कट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे स्टार्ट बटन का ऑप्शन दिखेगा और सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा। तो सबसे पहले मैं आपको सेटिंग में ले चलता हूँ। सेटिंग में ले जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे चेंज बैकग्राउंड का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो सिंपली आपको यहाँ पे चेंज बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। चेंज बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद आप चाहते हैं कि किसी का कॉल है, मेरे दोस्त का कॉल है तो उसकी यहाँ पे फोटो दिखे, तो आपको दोस्तों डिफॉल्ट में जाना है। डिफॉल्ट में जाने के बाद दोस्तों आपको चूज फ्रॉम गैलरी पे जाना है। चूज फ्रॉम गैलरी पे जाने के बाद दोस्तों आपको वाली फोटो सेलेक्ट करना जिसमें आप चाहते हैं कि उसकी फोटो दिखे। मान लो आपका दोस्त है तो आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। इसको सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे डन कर देना। डन करने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको वाली फोटो सेलेक्ट कर देना। वाली फोटो सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपका दोस्त का कॉल आएगा ना, तो दोस्तों आपको ऐसे दिखेगा कि मेरे दोस्त का कॉल आया तो आपके दोस्त की फोटो भी यहाँ पे दिखेगी, है ना। दोस्तों कमाल की इंटरेस्टिंग है। दोस्तों आपको अपना दोस्त का कॉन्टेक्ट कैसे सेलेक्ट करना, आप चाहते हैं कि मेरे दोस्त का कॉल है तो कैसे दिखे उसकी फोटो, तो दोस्तों आपको यहाँ पे चेंज बैकग्राउंड पे जाना। चेंज बैकग्राउंड पे जाने के बाद आपको कॉन्टेक्स्ट में जाना। कॉन्टेक्स्ट में जाने के बाद दोस्तों जैसे आपका दोस्त है कि ये दो अलग दोस्त की फोटो ये इसमें इस नंबर पे दिखे, यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको उसकी फोटो भी सेट करते, यहाँ पे उसकी फोटो भी सेट कर सकते हो छोटी सी, है ना। दोस्तों कमाल की इंटरेस्टिंग है। अगर आप चाहते कि कैसे उसकी फोटो दिखेगी, जैसे किसी का कॉल आएगा तो आपको यहाँ प्रीव्यू में क्लिक करना। प्रीव्यू में जैसे आप प्रीव्यू में क्लिक करेंगे आपका दोस्त का कॉल आएगा तो यहाँ पे आपका दोस्त का नंबर होगा और आपके दोस्त की यहाँ पे बैकग्राउंड पे फोटो होगी, पूरी फुल स्क्रीन पे फोटो आएगी। अगर आप चाहते हैं कि दोस्तों उसका दोस्त का कॉल है या किसी की भी कॉल है उसका नाम ले लेके कैसे बोलेगा, तो दोस्तों आपको बैक जाना। बैक जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन देगा, सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग में आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कॉल नेम अनाउंसर का ऑप्शन देगा, यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कॉल सेटिंग पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे जितनी भी बार कॉल आएगा ना तो यहाँ पे जोर जोर से चिल्लाता रहेगा कि इसका कॉल आया। आपका दोस्त का मान लो आशीष नाम है तो आपका दोस्त का नाम आशीष लेके बोलेगा कि आशीष का कॉल है, आप इसको उठा लो। आप चाहते कितनी बार रिपीट करें तो यहाँ पे आप चाहते कंटिन्यूसली रिपीट करें, हमेशा रिपीट करता रहे। अगर आप चाहते कि दो बार रिपीट करें, तीन बार रिपीट करें, इसके बाद रिपीट ना करें तो आप यहाँ से नंबर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ जब तक मैं कॉल ना उठाऊँ तब तक रिपीट करता रहिए, है ना। तो कमाल का इंटरेस्टिंग है। आप यहाँ पे SMS भी सिलेक्ट करते, किसी मेरे दोस्त का SMS भी है तो उसका SMS नाम भी लेके बोले कि आपके दोस्त का SMS आया, आप पढ़ लो उसको, आपने दोस्त का SMS, है ना। तो कमाल का इंटरेस्टिंग है। अब अगर आप चाहते किसी का कॉल आया तो मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे कॉल जले तो यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करना है, एक्सेप्ट में क्लिक कर देना है और यहाँ पे एक्सेप्ट कंटिन्यू पे क्लिक करना और यहाँ पे डीएक्टिवेट भी कर दीजिएगा। आप चाहते कि इनकमिंग कॉल पे आए तो इनकमिंग कॉल पे आपको दिखेगा। जैसे आपके मोबाइल पे कॉल आएगा जो यहाँ पे फ्लैश लाइट दे रखा ना तो आपकी फ्लैश लाइट ऐसे बुप 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 ऐसे जलती रहेगी किसी का कॉल आएगा, है ना। तो कमाल का इंटरेस्टिंग है। दोस्तों अगर आपको ये एप्लीकेशन पसंद है ना तो कमेंट में नाइस स्क्रीन कॉलर लिखना, नाइस कॉल लिखना। क्या लिखना कमेंट में? नाइस कॉल। इतने लिखते हैं मेरे को पता चल जाएगा कि ये एप्लीकेशन आपको पसंद आया। थैंक यू दोस्तों हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद आपका।